मेरा बर्थडे गिफ्ट दो, बर्थडे गिफ्ट दो। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मत दो, नहीं झूठ बोल रही है। लेकिन ये जिद कर रही है, दिलाऊंगी नहीं ये झूठ बोल रही है। ज्यादा अच्छी दिखती है, थोड़ी सी गोरी है बस और कुछ। ये थोड़ी सी चिपड़ी सी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिटनेस ब्लॉग। और आज मैंने स्टार्ट कराया ब्लॉग अपनी फ्रेंड के साथ इसके पार्लर में, क्योंकि इसको अभी तक मैंने इसका बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है। तो ये बहुत कह रही मेरा बर्थडे गिफ्ट दो, बर्थडे गिफ्ट दो। मैंने कहा मत दो, नहीं झूठ बोल रही है। लेकिन ये जिद कर रही है, दिलाऊंगी नहीं ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा मत दिलाओ, कोई नहीं अगली बार ले आना। कह रही नहीं मैं दिलाऊंगी दिलाऊंगी। झूठ झूठ, ये चाह रही थी कि दीदी तुम दो, कब दोगी। मैंने कहा अभी दे देंगे यार। इसने कहा कि अच्छी जगह भी पसंद कर ली, कहाँ से लेगी। ये झूठ बोल रही है, ये सबको झूठ बोल रही है। मैंने झूठ बोल रही, झूठ बोल रही है। मैंने कहा दिल्ली से अगली बार ले आना मेरे लिए। तो नहीं, नहीं, मैं इसके लिए जो भी लेके जाती हूँ, मैं जो खुद पहनती हूँ, मैं वैसे इसको मेरा पसंद आता है। और जब मैं वही चीज खुद के लिए और इसके लिए लाती हूँ तो ये मुंह बनाती है। मेरे सही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी अच्छी दिखती हूँ ना, इसलिए नहीं ये भी अच्छी दिखती है। हाँ, ये ज्यादा अच्छी दिखती है, थोड़ी सी गोरी है बस और कुछ। ये थोड़ी सी चिपड़ी सी है, ये लप्पू सी है, लप्पू सी। हम भाई इसको मेंटेन कहते हैं ना, कि लप्पू। इसको मेंटेन इसको क्या कहते हैं, दिखा दे दिखा दे। ये देखो कहते लप्पू सी आ रही ना, झिंगो झिंगो लप्पू। तो सो भी है गाइस, अभी हम आगे मिलते हैं आपको। अब हम जा रही हूँ उसको शॉपिंग कराने। का शॉपिंग करके आऊंगी और आपको देखूंगी। वो तो उसका पहले से दिमाग था ही, देखा इसकी सच्चाई निकाल दी मैंने। हाँ, मेरी सच्चाई अभी लेती हूँ, अभी इनका बिल फड़वाती हूँ। चलो गाइस, अब थोड़ी देर में मिलते हैं शॉपिंग के वक्त, आपसे मिलेंगे। बाय बाय। आरोही को शॉपिंग करवाने अब हम अंदर जा रहे हैं। चलो आरोही आ जाओ। एंटर करते ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा विंटर कलेक्शन दिखा, क्योंकि अब तो विंटर ही आना है, समर का कुछ था नहीं इतना खास। तो हम विंटर कलेक्शन देख रहे थे, तो बस मैं आरोही को दिखा रही थी कि देखो इसमें कुछ समझ में आता है तो। क्यों फिर मैंने उसको ये पर्पल दिखाया लेवेंडर कलर का, बट उसने कहा कि नहीं मैं थोड़ा वो कुछ और हैवी सा लूँगी। तो बस हम आगे को चल दिए। सो आरोही जब तक कुछ और देख रही थी, मुझे ये जैकेट दिखी वाइट कलर की, बहुत अच्छी लग रही थी। और इसमें मैंने देखा कि देखूँ कितना अच्छा अंदर से क्या फॉर्म लगा है क्या लगा है। बट ये बहुत अच्छी प्राइस में थी, 1600 रुपये में बहुत अच्छा मिल रहा था। ये गर्म थी, वॉर्म थी, बट अंदर से फॉर्म नाइस नहीं था। बट मुझे वैसे अच्छी लगी कि हाँ इसको पहन सकते हैं। तो उसमें कलर भी आए थे, नियॉन कलर था, लाइट ग्रीन था, वाइट था, पिंक था, मेहरून कलर था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे थे इसमें। फिर उसके बाद मैंने इस वाले इसमें सेक्शन में गई तो यहाँ मुझे वो स्वेटर्स दिखे और ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे। और इसमें से मैंने ये लेवेंडर कलर तो मेरी आंखों में ऐसा बसा, मैंने आरोही से कहा कि इसको ट्राई कर, क्योंकि पहले भी मैंने लेवेंडर कलर देखा था, उसके बाद मुझे फिर ये वाला पसंद आया। मैंने इसको खोल के देखा तो ये अच्छा लगा, बट साइज़ नहीं था इसका। बट मैंने वहाँ पर जो वर्कर होते हैं उनसे कहा कि मुझे इसका साइज़ दो, और मैंने इससे कहा कि तू लगा के देख पहले। तो इसने कहा कि हाँ सही लग रहा है, लेवेंडर कलर मेरे पास है भी नहीं। तो फिर ये इसने कहा चलो देखते हैं, और फिर हंसने लग गई कि अरे मेरी तो बहुत बड़ा साइज़ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, साइज़ मिल जाएगा, अभी मांगती हूँ मैं। फिर पीछे भैया ही खड़े थे तो मैंने कहा कि इसका साइज़ भी दे दो निकाल के। तो बस मेरे और कुछ पसंद आ रहा तो देख ले। तब तक इसमें और भी कलेक्शंस थे, ये मैंने कहा कि ये वाला मत लेना ग्रे कलर का, क्योंकि इसका फैब्रिक ख़राब हो जाता है जरा सा भी टच होता है तो। जो बैक साइड मैंने ग्रे कलर का आया था उसमें, तो वो तो मैंने उससे मना, मैंने इससे कहा कुछ और देखना है इसमें तो देख ले। तो मुझे तो लेवेंडर कलर की पीछे में पड़ गई थी, मगर इससे कहा नहीं ये बहुत शॉर्ट है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फिर तो अपने हिसाब से देख ले तुझे जो समझ में आता है, क्योंकि कलेक्शन बहुत सारा था। तो फिर वो अपने हिसाब से देखने लग गई। तो
फिर मैं आ गई जीन्स कलेक्शन में, फिर यहाँ डेनिम की जीन्स लगी थी तो फिर वो देखी डेनिम की जीन्स और अच्छी दिख रही थी, फैब्रिक तो अच्छा था जीन्स का और भी साथ साथ और भी चीज़ें लगी हुई थी तो वो भी मैं चेकआउट कर रही थी। उसके बाद मैंने ये शॉर्ट टी शर्ट देखी, मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने आरोही से सोच रही थी कि वो देखेगी, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं वो पहनेगी नहीं पहनेगी क्योंकि बहुत शॉर्ट थी और भी इसके बाद और भी आइटम्स थे तो वो भी देखती रही मैं। शर्ट्स देखी, इस टाइप के शर्ट्स तो मेरे पास है ही क्योंकि ये तो ट्रेंड का फेमस आइटम है, ये तो रहता ही हमेशा। तो बस ये मुझे अपनी पैंट दिखाना है, लोअर दिखाना है कि देखो ये कैसी लग रही है, तो मैंने कहा यार तुझे जो समझ में आया था तू देख ले। और बस फिर तब तक मैं और चीज़ देने लगी, फिर यहाँ पर ये वॉर्म जैकेट्स थी जो आप डेली वेयर में पहन सकते हो, ये तो बहुत वॉर्म रखता है, सही रहती है ये। तो ये कलेक्शन भी बहुत सारा था। सो अब हम आए हैं कुर्ती कलेक्शन में और अब हम देख रहे हैं कुर्तियों का कलेक्शन। गाइस देखिए, देख रही हैं थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ, मैंने तो ले लिए हैं ये देखिए मेरे कपड़े। हाँ, तो देख लीजिए इनको तो पसंद आ गया और मैं कह रही हूँ और कुछ चेंज ले लो। अरे ये महंगा पड़ेगा क्योंकि अभी इनका भी आने वाला है बर्थडे। ये तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, पीला है। बढ़िया लग रहा है वैसे, लेकिन नहीं तुम पर अच्छी नहीं लगी कुछ और। ट्राई करके देख लो, सही लग रही है वैसे। सही लग रही है, ट्राई कर लो। एक डिज़ाइन ये देखा है मैंने, पॉकेट्स बनी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बट मेरा साइज़ इसमें मेरे ख्याल से है नहीं। अरे यार मोटा होना भी बेकार ही है, साइज़ ही नहीं है। इतना प्यारा डिज़ाइन मिला है मुझे ये ग्रे कलर और ब्लैक कलर में, इतना अच्छा इसमें वर्क है, मतलब साइज़ नहीं है। चलो देखती हूँ कुछ और मिल जाए इसमें। तो मैं चेंजिंग रूम के बाहर बैठी थी और आरोही का वेट कर रही थी और देखो इसको तो इतनी खुशी हुई है ये कपड़े लेके, तो इसके चेहरे में दिख ही रहा है कि कितनी खुश हो गई है ये। तो इसके बर्थडे गिफ्ट मैंने इसको दिला दिया है। सो गाइस शॉपिंग करके डिनर करके अब हम जा रहे हैं घर को। सो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। हाँ, टिल देन बाय बाय।